बीते दिन दिल्ली रोड पर रंगरेज 2022 में मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन का ऑडिशन लिया गया। इसमें मुरादाबाद मंडल की 35 मेकअप आर्टिस्ट ने अपना ऑडिशन दिया, जिसमें से जजों द्वारा अभी 20 लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। इसी क्रम में सीएमएस की सीआईईओ प्रियंका गोयल के साथ साथ महक मेकओवर और डायरेक्टर महक मेघा सनुजा अदा खान ऑडिशन में जूरी के रूप में उपस्थित रहीं। इस समस्त कार्यक्रम का आयोजन सीएमएस के स्पॉन्सर गुरप्रीत सिंह दुआ द्वारा किया गया। सीएमएस ने उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मेकओवर आर्टिस्ट एवं उसकी मॉडल द्वारा कैटवॉक की गई। I have two babies, girls and boy, and my model name is Kanak. सभी को नमस्ते, मेरा नाम कनक भाटी है और मैं मॉडल होने के साथ साथ बीम आदमी महिला मोर्चा से मुरादाबाद मंडल के अध्यक्ष हूँ। हम काम करते हैं रेप कंसल्टों के लिए और जिन लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है और कार्रवाई नहीं होती है तो हम वो कार्रवाई में भी हेल्प करते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं और इनके साथ साथ मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, ट्यूटर भी हूँ और मैं एनसीसी की बैच कैडेट भी रह चुकी हूँ, पूरे महीने की एनसीसी ट्रेनर भी रह चुकी हूँ। इससे ज़्यादा पूरा घर भी संभाल रही हूँ अपना, थैंक यू। और मतलब कितनी क्वालिटीज में परफॉर्म कर रही हूँ और भी कुछ हो आई वो आगे कैसी रहा। जूरी मेंबर्स द्वारा प्रश्न पूछे गए और कैटवॉक की गई। इसी आधार पर जूरी द्वारा 20 लोगों का चयन किया गया, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। साथ ही सीएमएस की सीईओ प्रियंका गोयल द्वारा बताया गया कि चयन के उपरांत वाइल्ड कार्ड एंट्री जारी रहेगी। इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई ऐसा प्रतिभाशाली रह गया हो जो किसी वजह से नहीं आ पाया हो, वो वाइल्ड कार्ड में आ सकता है। हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं सारे बहुत अच्छे हैं और एक्चुअली हमारा अच्छे लेवल पे, हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे अपना अपना ऑडिशन किया है और अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट आए सब इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को चूज करने में भी प्रॉब्लम होगी कि कैसे इन लोगों को आगे किसको हटाएं किसको रखें। तो अभी तक हमारे एटलीस्ट 40 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं और अभी हम लोग वेट करेंगे और आएंगे क्योंकि क्वारीज हमारे पास काफ़ी हैं। एक्चुअली आज हमारे ऑडिशन में से जो भी सिलेक्ट होगा तो हमारी ग्रूमिंग होगी उसके लिए 15-16 सितंबर में, क्योंकि उस ग्रूमिंग में हम लोग इनको बताएंगे कि इनको स्टेज पे कैसे जाना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे परफॉर्म करना है एक्चुअली। और हमारा 18 सितंबर में फिनाले है, सो बस फिनाले में रॉक करना है, इसलिए यहाँ से अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट हमें निकालने हैं, उनको मौका देना है कि आगे जाए। एग्जैक्टली ये है कि बाकी में उनको देख के ऐसा लग रहा है कई पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि मॉडल्स को तो मौका मिलता है आगे आने का बट मेकअप आर्टिस्ट को नहीं मिलता, वो लोग बैक स्टेज रह के मेहनत करते हैं बट वो फ्रंट से अपने आप को नहीं शो कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आज का जो प्रोग्राम किया है वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए किया है कि उनको भी अपने हुनर दिखाने का मौका मिले। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि वाकई में हमारे मुरादाबाद में भी हुनर्स की कमी नहीं है, बहुत हुनर है बट उनको अभी तक मौका नहीं मिला था। मैं ये मौका देके बहुत अपने आप को प्राउडली फील कर रही हूँ। गौरतलब है कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरप्रीत सिंह दुआ, शिशिर गुप्ता टैक्स एडवोकेट, कपिल गुप्ता आरकेडी चैनल, रॉबिन अग्रवाल, महक, राहुल कथूरिया, अंजलि गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।